अब तक आपने देखा देवों के गुरु बृहस्पति को तेज बहते झरने में एक बच्ची मिलती है और उन्हें आभास होता है कि ये कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि महारक्षक देवी है जो अच्छाई को अपनी शक्ति बनाकर इस संसार को बुराई के अंधकार से मुक्त करेगी जो असुरों का सर्वनाश करेगी। वो उसे सालों तक सबकी नजरों से छिपाकर युद्ध कला का प्रशिक्षण देते हैं लेकिन 17 साल बाद जब वो गौरी को अपने लक्ष्य से अवगत कराते हैं असुर गुरु शुक्रा उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं। किसी तरह गौरी वहां से बच निकलती है और पहली बार बाहरी दुनिया में कदम रखती है। वो बिना जाने समझे एक बस में बैठ जाती है जहां कुछ गुंडे उससे बदतमीजी करते हैं लेकिन सबको चौंकाते हुए वो गुंडों से अकेले लड़कर उन्हें घुटनों के बल गिराती है। जब शुक्र तक इस घटना की खबर पहुंचती है तो उन्हें यकीन हो जाता है कि ये लड़की देवी ही है। आपका स्वागत है महारक्षक देवी। वहीं संयोग से गौरी की बस उसे शुक्र के शहर मुंबई ले आती है। मुंबई में कदम रखते ही गौरी एक तेज गाड़ी से टकराती है और बेहोश हो जाती है। अब आगे छोड़ दो इन्हें। आ रहा था हमें ये सोचकर कि आप वहां अकेले युद्ध कर रहे हैं। काश आपने हमें वहां से जाने का आदेश ना दिया होता। गुरुजी, हमारा मन नहीं लग रहा यहां। बड़ी ही विचित्र दुनिया है यहाँ की। मनुष्य से ज्यादा वाहन है और जितने बड़े वाहन है उतनी ही कम जगह खड़े रहने की। गुरुजी, हम अपनी दुनिया में वापस जाना चाहते हैं। चेक कर लेते हैं कि किसी पागल गाने से भाग के तो नहीं आई। देखा कितनी डरी हुई है बेचारी। मैं प्रोफेसर हूं लेकिन आज तक मुझे किसी ने गुरुजी नहीं कहा। आई एम सॉरी बट मुझे लगता है कि शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं। जयंत नाम है मेरा। आज शाम को तुम मेरी गाड़ी के सामने बेहोश हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि तुम कहां रहती हो इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया। तुम्हें याद तो है ना तुम्हारे साथ क्या हुआ था। डोंट वरी, आओ बैठकर बात करते हैं। कभी कभी ऐसे हादसों में शॉक लग जाता है। यू विल बी फाइन, ओके? समय आने पर हम तब तक पहुंच जाएंगे, कैसे भी, किसी भी अवतार में। तो आप हमारे गुरुजी नहीं हैं। आप दोनों का केवल चेहरा मिलता है। हमारा नाम गौरी है। कहाँ रहते हो?
किसी पर भी विश्वास मत करना गौरव, किसी पर भी नहीं। याद नहीं आ रहा? कोई बात नहीं गौरी, थोड़ी देर आराम कर लो, सब कुछ धीरे धीरे याद आ जाएगा। क्षमा कीजिए मीना जी, हमारे कारण आपको बहुत कष्ट हुआ। इट्स ऑल राइट बेटा, गलती तो किसी से भी हो सकती है। तुम किसी भी चीज को लेके परेशान मत हो, ओके? जब तक तुम ठीक नहीं हो जाओ तब तक रह सकती हो यहाँ पर। वेलकम टू द फैमिली। अच्छा टाइगर, तुम्हारा एक ट्रैक पैंट और टी शर्ट गौरी के लिए लेकर आओ। अरे गौरी आ जाओ बैठो। और ये लो तुम्हारे लिए गर्मा गर्म मटन करी। ओह, आई एम सॉरी डियर, तुम वेजिटेरियन हो तो क्या खाओगे? कोई बात नहीं बेटा, देखो बताओ तुम घर में कैसा खाना खाते? घर पर वो फल, दूध, ताजी सब्जियां, कभी कभी। नो प्रॉब्लम, मैं अभी लेकर आती हूँ। ताजी सब्जियां, याक। मुझे लगता है कि ये दुनिया का सबसे महंगा स्कैनर बनने वाला है। कितने चाहिए तुम्हें? सिर्फ 5,000। 5,000? यार राइट, भूल जाओ। प्लीज ना मामू। खाना खाओ। मामू ये तो नवरात्रि के फंक्शन के लिए है ना, अल्टीमेट भस्मा परफॉर्म करने वाला है। नवरात्रि? हमारे यहाँ भी नवरात्रि की पूजा होती है, माता की आरती, हवन, नए नए भजन, मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। वैसे ये भस्मा जी यहाँ के कोई बड़े पुजारी हैं। I'm so sorry. नहीं गौरी, हम लोग घर में नवरात्रि की पूजा नहीं करते। टाइगर जिसकी बात कर रहे हैं वो एक कॉन्सर्ट है। कॉन्सर्ट मतलब सब मिलके नाच गाना। Come on mom, obviously ये मजाक कर रही है। भस्मा को कौन नहीं जानता? Babe babe babe, भस्मा the bad boy, yo. See, that's भस्मा. सुपरस्टार के घर के बाहर खड़े हैं और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि भस्मा के फैंस की भीड़ लगी हुई है और वो अपने फेवरेट सुपरस्टार की एक झलक पाने को तरस रहे हैं। भस्मा द सुपरस्टार जो कि दुनिया भर में काफी सारे स्टेज शोज, काफी हिट शोज करने के बाद आज एक लंबे अरसे के बाद शहर में आए हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए नेशनल न्यूज। मैं हूँ ऋचा शर्मा, कैमरा पर्सन अमित के साथ। Bhasma's coming. Pan the camera. Babe, babe, babe! Babe, babe, babe! Bhasma the bad boy! Love you too, babe. ये लड़कियां इतना शोर क्यों मचा रही हैं? Mm-hmm.
कुछ नहीं हो सकता बेब। बेब? भस्मा, the world famous bad boy. मैं एसीपी सुमित दुबे और सीआईडी के आगे कोई भी बात नहीं छिपती। तुम कोई रॉकस्टार वॉकस्टार नहीं बल्कि क्रिमिनल हो जिसने 11 साल पहले एक आदमी की ना सिर्फ जान ली बल्कि उसकी पहचान भी ली। ये है सबूत। मानना पड़ेगा एसीपी दुबे। वैसे मैं भी तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारी तरह मुझे टाइम बर्बाद करने का शौक नहीं। कीमत बोलो। एक करोड़, वो भी अभी। मैं यहां तुम्हारा म्यूजिक सुनने नहीं आया। और क्या लगता है तुम्हें, मैं सिर्फ धमकी दे रहा हूं? बर्बाद कर दूंगा, मैं फांसी दिला सकता हूं तुम्हें, फांसी बर्बाद कर दूंगा। अरे तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम जानते नहीं मुझे, फांसी पे चढ़ा रहे सबूत है ना, बर्बाद कर दूंगा। ये सबूत है मेरे पास, फांसी पे चढ़ा दूंगा तुम्हें। सही कहा था तूने तुच्छ इंसान, मैं कोई रॉकस्टार भस्म नहीं, मैं भस्म असुर हूं। वो असुर जिसके नाम से भगवान भी कांपता है। मेरी शक्ति मुझे देवों के देव महादेव से मिली और मुझे वरदान दिया कि मैं जिस भी किसी वस्तु को स्पर्श करूं वही भस्म हो जाएगी। लेकिन इस वरदान के बाद तीनों लोक में सर्वशक्तिशाली मैं नहीं बल्कि शिवजी थे, इसलिए मैंने उन्हें भी भस्म कर देने का निश्चय लिया। पर विष्णु ने स्वप्न सुंदरी मोहिनी रूप में आकर मुझे नृत्य करने पर विवश किया और भस्मासुर को अपने हाथों से भस्म करवा दिया। नई सदी में शुक्राचार्य ने मेरे अंदर के राक्षस को फिर जगा दिया। अब मेरा नया नाम है भस्मा द बैड बॉय। कहीं जा रहे हो? धीरे। कहीं जा रहे हो? ऑब्वियसली जा रहा हूँ, लेकिन मॉम को मत बोलना, ओके? मतलब कि अपनी माँ से छुपा कर जा रहे हो, ये गलत है और झूठ बोलना पाप है। हम तुम्हें ऐसा गलत काम करने नहीं दे सकते। ओह गॉड, मैं कोई पाप पाप नहीं कर रहा, ठीक है? मैं बस एक सीक्रेट मिशन पर हूँ। मिशन समझती हो? नहीं। मतलब एक बहुत बड़ा काम जो किसी को बिना बताए करना होता, नहीं तो काम बिगड़ जाता। अच्छा, कैसा काम है ये? तुम नहीं समझो। बाय। तो
मैं भले ही ना समझू लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी बात को जरूर समझेगी। तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए, वो शायद तुम्हारी मदद कर सकती हैं। यार तुम अच्छा सुनो, मैं ना शॉर्टकट से शॉर्टकट में पैसे बनाने जा रहा हूँ। भस्मा का शो है ना, उसकी टिकट्स के लिए, इसलिए मॉम को नहीं बता रहा हूँ, समझे? खुश? ये पैसा क्या है, क्या हम इसे घर में नहीं बना सकते? Can you please just shut your mouth? कौन है यहाँ? साथ चलो। क्या? तुम चलो मेरे साथ। वैसे हम जहाँ कर रहे हैं और हमें वहाँ कौन मिलेगा? ये हम कहाँ आ गए हैं टाइगर? और ये मनुष्य इतना चीख क्यों रहा है? परिजन। गौरी, ये मेरा दोस्त परिजात। परिजात स्वर्ग का फूल। परिजात टूट, तू ये नमूना कहां से लाया है? जा रही है। लड़की नमूना नहीं, चैंपियन। टाइगर पे वो आदमी जो बैच ले रहा है। टाइगर हम यहाँ क्यों आए हैं? बैटिंग करके पैसे कमाने। पैसे? ये पैसे क्या है? पैसे हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी? इतनी शक्ति और बैटिंग? हेल्प मी यार। आई हैव इट। लुक, यहाँ दो लोग कुश्ती लड़ेंगे, उनमें से किसी एक पर टाइगर अपने पैसे लगाएगा और अगर वो जीत गए तो टाइगर के पैसे डबल और फिर नवरात्रि कॉन्सर्ट के पासेस मेरे। यस। लेकिन इस कॉन्सर्ट पर जाना तुम्हारे लिए इतना जरूरी क्यों है? नहीं, टाइगर के लिए जरूरी नहीं है लेकिन तानिया के लिए तो है। ये तानिया कौन है? तानिया हमारे कॉलेज में है और हमारा टाइगर उसे बहुत लाइक करता है। लेकिन हाँ, तानिया इसे लाइक करती है नहीं इसका कोई पता नहीं, लेकिन अगर भस्मा के कॉन्सर्ट के टिकट्स मिल जाए तो तानिया डेफिनेटली इसके साथ जाएगी, ऐसा इसको लगता है। जाए। और इस तानिया का तुम्हें इतना पसंद करना जरूरी क्यों है? But obvious यार, he loves her. You know what? ये प्यार का मामला है, तुम नहीं समझ पाओ। शायद हम पहले नहीं समझते थे पर अब हम समझते हैं। अच्छा तो बताओ प्यार क्या होता है? प्यार मन की एक ऐसी भावना है जो किसी भी अच्छे खासे मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। तो इन दोनों में से कौन जीतेगा? मुझे कैसे पता गौरी? मतलब अगर तुम्हें ये पता नहीं कि इन दोनों में से कौन जीतेगा तो तुम्हारे वो पैसे कैसे बनेंगे? लक गौरी, लक मतलब किस्मत। कभी कभी ना मेरी भी चमक जाती। किस्मत? जो किस्मत के भरोसे रहते हैं वो अक्सर मुंह के बल गिरते हैं। परिजात तू बता किस पे पैसे लगे? लुक, डैनी इज द परफेक्ट मैन। अब तो 6 फाइट्स लड़ चुके हैं और एक खरोच तक नहीं। आई थिंक इज अ परफेक्ट मैन टू बेट ऑन। लेट्स गो डैनी।
शुक्र बना, बदलते मौसम और वक्त की कीमत तो चींटियां भी जानती हैं, पर तुम ये सीख नहीं पाए। पूरे 3.5 मिनट की देर, कल रात के नवरात्रि कॉन्सर्ट के लिए तैयार हो, अगर जरा सी भी चूक हुई तो 11 सालों की मेहनत 2 पल में धुआं हो जाएगी। पर धुएं में सांस लेने की आदत इंसानों को है, हमें नहीं। कल रात की चिंता आप मुझ पे छोड़ दीजिए शुक्र। उन लड़कियों को मेरे करीब लाने के लिए भस्मा पॉय की सिर्फ एक मुस्कान काफी है। आप देखिएगा, स्टेज पे ऐसा हंगामा करूंगा कि हर कोई अपने होश खो बैठेगा। इस कारनामे को तो मैं चुटकियों में अंजाम दे सकता हूं। घमंड, घमंड तो मंदिर के रास्ते पर खाना झपटने वाले बंदर भी करते हैं भस्मा। समझदार उछलते नहीं है, चुपचाप अपना काम तमाम करते हैं। कल मुझे किसी भी हाल में 201 लड़कियां चाहिए, वरना तुम्हारा यह अवतार छीनने में मुझे जरा भी वक्त नहीं लगेगा। तब जाओ और जीत कर ही लौटना। इसने तो लगा दी। बेटा टाइगर, तेरा कॉन्सर्ट तो गया, तेरी तानिया भी गई और तेरे कॉलेज की फीस भी। यार मॉम तो मेरी क्लास ले लेंगे, क्या करूं? टाइगर तुम कुछ ठीक नहीं लग रहा, परेशान? अब तो मैं जिंदगी भर ठीक नहीं लगूंगा गौरी। घर गया तो मॉम मार डालेगी, बाहर रहा तो भूखा मर जाऊंगा। तेरी लाइफ तो बर्बाद हो गई यार। कैसा दोस्त है? ओके चिल मार, तू चिल मार, मैं कुछ कर... भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप टाइगर को उन्हें पैसे वापस कर दीजिए, वो बड़े कष्ट में। कष्ट में? चल पतली गली नाप ले, और तेरे को पैसा चाहिए ना तो शाका के साथ रेसलिंग करनी पड़ेगी, समझी? क्या करनी पड़ेगी? रेसलिंग। रेसलिंग का मतलब होता है फाइट, एक्शन, कुश्ती। वो देख सामने। कुश्ती? उसमें कौन सी बड़ी बात? अरे हम तैयार हैं। कौन है अगला फाइटर? तोड़ू फाइटर। श्रीमान, हम कुश्ती करना चाहते हैं। मैडम, ये रेसलिंग का रिंग है, कोई ब्यूटी पार्लर नहीं है। चलो जाओ यहां से। हमने कहा कि हम कुश्ती करना चाहते हैं। मैंने कहा ना, जाओ यहां से। छूने का प्रयास भी ना करें, हम लड़ेंगे और अभी लड़ेंगे। हे भगवान, कुछ सिंगल पीस में वापस भेज देना, दाढ़ी ऑलरेडी सदमे में।
तो मैं जिंदगी भर ठीक नहीं लगूंगा कॉलेज में। घर गया तो मॉम मार डालेगी, बाहर रहा तो भूखा मर जाऊंगा। अब तो तुझे दर दर के ठोकरे खाने पड़ेंगे, सड़कों पर भीख मांगनी पड़ेगी। तेरी लाइफ तो बर्बाद हो गई है। ये केवल एक स्पर्धा थी, इसे और कुछ ना समझे। क्या इन्हें शीघ्र ही उपचार हेतु किसी वैद्य के पास ले जाया जा सकता है? अगर मेरी बेटी जिंदा होती तो क्या वो गौरी जैसी होती?
इंटेलिजेंट, वेल मैनर्ड। गौरी जितनी ही बड़ी होती ना, मैं जानता हूं दी, आपको गौरी में निशा नजर आती है, इसलिए आपने उसे हमारे साथ रहने के लिए कहा, है ना? लेकिन जयंत, एक बात तो है, गौरी हमारे घर में नवरात्रि के एक दिन पहले आई और 7 साल पहले उसी दिन तो निशा और देव चल बसे। पता है जयंत, देव और हमने कितने सपने देखे थे। देव हमेशा से कहते थे कि हमारा टाइगर तो नटखट है और नटखट ही रहेगा, लेकिन हमारी निशा जरूर कुछ करके दिखाएगी। गौरी का इस तरह हमारे घर में आना, क्या ये सिर्फ एक इत्तफाक है? बसंती, मुझे बस ऐसा लगता है कि आप गौरी से कुछ ज्यादा ही जुड़ रही हैं। आज नहीं तो कल वो शौक से बाहर आ जाएगी और फिर वो चली जाएगी। दी, हम लोग सिर्फ उसकी एक फैमिली की तरह हैं, फैमिली नहीं। बहुत जल्द एक दिन वो अपनों के बीच चली जाएगी। गुरुजी, आपने कहा था आप हमें ढूंढ लेंगे, आप यही हैं ना? हाँ गौरी, ये युद्ध तुम्हारा है गौरी, तुम्हें इसे अकेले ही लड़ना होगा। हम केवल तुम्हें सचेत करने के लिए आए हैं, वो सब आज रात से ही शुरू हो जाएगा। तुम्हें उसे रोकना होगा गौरी। क्या शुरू हो जाएगा गुरुजी? इन घमंडी देवताओं और पाखंडी इंसानों से अपना हक वापस छीनने का। पता है क्यों? क्योंकि राज करने को भी इन्होंने खेल बना दिया है। राज करने का हक सिर्फ असुरों का है, यही हमारा लक्ष्य था, है और रहेगा। अगले 90 दिन में असुर इस पृथ्वी को तहस नहस कर देंगे। उसे अपने वश में करने के लिए वो हर प्रयत्न करेंगे। उसे तुम्हें रोकना होगा गौरी। इस पृथ्वी को, इस मानव जाति को सिर्फ तुम बचा सकती हो। आक्रमण, असुर, लेकिन कैसे? वो क्या करेंगे और हमें क्या करना होगा? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरुजी। असुर जो देवताओं से लेकर इंसानों तक किसी के भी दिल में डर पैदा करने की शक्ति रखते हैं, तो फिर पृथ्वी पर लौटने का रास्ता ढूंढना हमारे लिए कौन सी बड़ी बात थी? 11 साल पहले हमने इंसानों के रूप ले लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ऊंची ऊंची इमारतें, पुलिस, राजनीति, हर जगह हम पहुंच गए। अब सिर्फ उन्हें अपने बस में करना है। असुरों को हराना, यही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है गौरी। वो कभी भी किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ गौरी। तो जाओ, जाकर हमारे सारे असुरों के साथ मिलकर आसुरी अस्तित्व को न्याय दिलाओ। शुक्र तुम्हारे साथ है। जाओ, बाहर निकलो, अब तुम और छिपकर नहीं बैठ सकते। अगर तुम इन्हें ढूंढने में असमर्थ रही तो ये तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। अपनी परछाई पर भी विश्वास मत करना गौरी। इस रणभूमि में तुम अकेली हो। यदि हम उन्हें ढूंढना चाहे तो ढूंढ लोगे।
उन दुष्ट ससुरों के नाश की है। तुम बनी हो गौरी, तूफान से नजरें मिलाने के लिए तैयार हो जाओ भस्मा। देवी पहुंच गई है। वो देवी? या? हाँ, वही देवी जिसे बिन पानी की मछलियों की तरह छटपटाते हुए देवताओं ने बनाया ही है हमें हराने के लिए। यही तुम्हारा भाग्य है, तुम्हारा लक्ष्य है। अपने अंदर की सारी शक्तियों को एकत्रित करो और इस मार्ग पर चल पड़ो। लेकिन वो जानती नहीं कि हम भी असुर हैं। इस बार जीत हमारी ही होनी चाहिए, हर हाल में। बस उसे तुम तक पहुंचने मत देना भस्मा। मैं उसे जीतने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं। सुंदर लग रही हो, जैसे कोई देवी खड़ी हो। कॉन्सर्ट में जाकर खूब मजा करना, लेकिन याद रखना हाँ, टाइगर के साथ रहना हमेशा। देखना चाहोगी कितनी सुंदर लग रही हो? चलो मैं तुम्हें भस्मा दिखाता हूँ। कम लेट्स गो गौरी, लेट्स गो, जल्दी लेट्स गो गौरी। वी आर सो फॉर्चुनेट कि हमें भस्मा के कॉन्सर्ट के पासेस मिल गए। वैसे आज तुम काफी क्यूट लग रही हो, वो तुम्हारे फाइटिंग वाले अवतार में ना समझ नहीं आ रहा। तान्या एक मिनट में आई। ये है तान्या। थैंक यू सो मच फॉर द पासेस। यू आर वेलकम। यू रियली मेड माय डे तान्या। अब मेरे फ्रेंड्स बुला रहे हैं, मैं चलती हूँ। बाय। तान्या, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, और वो भी टाइगर को छोड़कर? उसने बहुत मेहनत की इन पासेस को लाने के लिए। वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपसे प्यार करती है। गौरी, नो। टाइगर, क्या ये सच है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स नॉट। शी इज वेरी फनी, मजाक बहुत करती है। मैं बाद में मिलती हूँ। ओके बाय। कम कम कम। चलें।
मुझको हीरा दे दे, कसमें देवा दे दे, मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे, दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे, मंजिलें